बॉडी से अनवांटेड हेयर रिमूव करना दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ योर पर्सनल ग्रूमिंग। नाउ ये चीज हो जाती है, पता कभी तुम कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम करते हो, भले तुम कॉलेज स्टूडेंट है, किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो, एंड अचानक से जब तुम कपड़े पहनने जा रहे हो देख रहे हो कि भाई छाती में भालू जैसे बाल निकले हुए हैं। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा इजी हैक बताने वाला हूं, ना इसमें आपको ब्लेड की जरूरत है ना आपको ट्रिमर में खर्चा करना है, एंड सिर्फ ले दे के 10 से 15 मिनट के अंदर आपके जितने भी अनवांटेड हेयर है वो निकलेंगे तुरंत। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं आपका विनीत गौरा, आप देख रहे हैं WTT। यार आज की वीडियो में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाला हूं जो मैं आपको खुद यूज करके दिखाऊंगा। मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं ऑफ वीट मैन का हेयर रिमूवल क्रीम। अनवांटेड हेयर को निकालने के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं और भी वीडियोस लेके आता रहूंगा, पर आज की वीडियो में आपको मैं ये वीट का हेयर रिमूवल का प्रोडक्ट यूज करके दिखाऊंगा ये कितना इजी है एंड क्यों अनवांटेड हेयर निकालना इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीट का हेयर रिमूवल क्रीम यूज करना दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान है। पहले तो अपने अनवांटेड एरिया में आपको जहां जहां इसको लगाना है उसको अप्लाई करने के लिए आप स्पैचुला यूज करेंगे। स्पैचुला के ऊपर आप थोड़ा सा इसको अप्लाई करने वाले हैं एंड आपके जितने भी अनवांटेड एरियाज हैं, भले आपका वो चेस्ट है, बॉडी में कोई पार्ट है या आपके अंडर आर्म्स वाली रीजन है, जितने भी आपको रीजन जो आपको बेसिकली लग रहे हैं कि यहां से आपको बाल हटाने हैं, उस पोर्शन पे आप स्पैचुला के थ्रू उसको लगाएंगे एंड ईजिली इसको स्प्रेड करेंगे। डिपेंडिंग अपन आपके बॉडी में कितने अनवांटेड हेयर है आपको उस हिसाब से वॉल्यूम सेलेक्ट करना पड़ेगा। 100 ग्राम का आता है दोस्तों, जो ईजिली 3 से 4 बार तो आप इसको यूज कर ही सकते। एक बार आपने इसको अच्छे से अपने बॉडी पे अप्लाई कर लिया तो आपको ले दे के कुछ 5 मिनट आपको देना पड़ेंगे बस इसको थोड़ा ड्राई ऑफ हो जाने के लिए। एक बार आपने इसको अपने बॉडी पे अप्लाई कर लिया है तो आपको सिर्फ देने 5 मिनट, तो अपने टाइमर को शुरू कीजिए एंड सिर्फ 5 मिनट का वेट कीजिए। एक बार आपके 5 मिनट हो चुके हैं फिर वही स्पैचुला को आप लेंगे एंड उससे इजिली वाइप ऑफ कर देंगे आपके जितने भी अनवांटेड हेयर है। निकालने का तरीका बहुत ईजी हो जाता है दोस्तों, आफ्टर 5 मिनट्स वीट अपना कमाल करना शुरू कर देती है एंड जितने भी अनवांटेड हेयर है सिर्फ एक ही स्वाइप से इजिली निकलना शुरू हो जाते हैं। एक बार आपने जितने भी अनवांटेड हेयर अपने निकाल लिए उसके बाद से पानी लगा के उसको अपने बॉडी को क्लीन कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। 10 से 15 मिनट लगेंगे दोस्तों, इजिली अपने बैग में डाल के आप इसको लेके कहीं पर जा भी सकते हैं। तुम कोई कॉलेज स्टूडेंट है, कहीं पर ट्रैवल करने का प्रोग्राम कर रहे हो, कैरी कर लो और पार्टी के जस्ट पहले इसको यूज करके चले जाओ, यू आर गुड टू गो। अब कोई बोलेगा यार भाई इसको यूज करने के बाद क्या स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, थोड़ी रफ हो जाती है? नहीं, मैंने पहले भी कहा है, मैं अभी भी कहूंगा, इसको अप्लाई करने के बाद आपकी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहती है, कोई कट कुछ नहीं होता, तो इट इज इजी टू यूज। एंड अगर आप कोई हो जो थोड़े टेंशन में हो कि भाई मेरा स्किन तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो मेरे भाई वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये वीट का जो क्रीम है इसके 2 वेरिएंट आते हैं, ये मेरे हाथ में जो ब्लू वाला एक रेगुलर एंड इनका एक और आता है फॉर सेंसिटिव स्किन। डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। देखो भाई साहब, आज के टाइम पे ना वो पुराने लॉजिक्स नहीं चलते जो कहते हैं ना कि छाती पे बाल होने चाहिए एंड एवरीथिंग, ये आज का ट्रेंड नहीं है। साइंटिफिकली भी इट इज प्रूवन दैट अगर आपके बॉडी में से अनवांटेड हेयर थोड़े कम रहते तो आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी कूल फील करती है, उसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप कोई हो जो ज़रा पार्टी वार्टी में जाते हो, या अभी समर टाइम जब आएगा आप पूल में जा रहे हो, या आप कोई हो जो बहुत एक्टिव अपने डेटिंग लाइफ में, तो यार अपनी बॉडी में से अगर अनवांटेड हेयर निकाल के जाओगे तो सामने वाले को ही खुशी होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, भालू के साथ कोई भी घूमना नहीं चाहता। एंड हैविंग अ क्लीन लुक इज एनी डे मोर स्टाइलिश। एंड अगर आप इसको भी खरीदना चाहते हो तो मैंने नीचे इसकी लिंक डाल दी, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं एंड अगर आपको पसंद आया तो अपने हिसाब से मंगा भी सकते हैं। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल में और पर्सनल हाइजीन के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए, या ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे फॉलो करके DM कर देना, वो टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। एज ऑलवेज दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक दोनों कर दीजिए। एंड एज ऑलवेज आप लोग जहां पर भी हैं सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने घर लगा ध्यान दीजिए, क्लीन रहिए एंड देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल व्हाट द डूड। तब तक लुडामी बाय।